अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पुलिस लगातार उनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को उनकी फ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को पुलिस ने पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है। कहा जा रहा है कि रिया ही सुशांत के सबसे करीब थी। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया था। यहाँ उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। दरअसल मुकेश सुशांत के बहुत करीबी थे, उनके साथ फिल्म भी की थी। मुकेश से सुशांत की आदतों और उनके ड्रीम क्या थे, इन सब के बारे में बात हुई। मुकेश ने पुलिस को बताया कि सुशांत कभी उनसे निजी बातें शेयर नहीं करते थे, ना कभी इस बात का उन्हें एहसास हुआ कि सुशांत किसी डिप्रेशन में है। घर पर काम करने वाले कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि सुशांत ने मौत से 3 दिन पहले ही उनका साथ काम करने वालों की फाइनल पेमेंट कर दी थी। साथ ही उन्होंने अपने कुछ उधार भी क्लियर कर दिए थे। उन्होंने नौकरों से कहा था कि वो अब आगे उन्हें पैसे नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर वो थोड़ा निराश जरूर हुए थे। DCP अभिषेक त्रिमुखे के मुताबिक इस मामले में अब तक 10 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सुशांत की फ्रेंड रिया चक्रवर्ती को बुधवार को समान दिया गया था। सूत्रों की माने तो अभी तक की जाँच में इंडस्ट्री की गुटबाजी को लेकर सुशांत के किसी करीबी ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं सुशांत के घर की छानबीन से पता चला कि उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था, खासकर फिजिक्स में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनके घर से 5 डायरी मिली है जिसमें वो किताबों में पढ़े गए महत्वपूर्ण कोट को लिखा करते थे। सुशांत के घर की छानबीन के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने नागालैंड सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 1.5 करोड़ रुपए की मदद की थी। नागालैंड सरकार की तरफ से उनको जो थैंक यू लेटर भेजा गया था उससे इस बात की पुष्टि होती है कि वो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।